आइए दोस्तों, ऑप्शन बाइंग के एपिसोड नंबर 11 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बैंक निफ्टी के 1 मिनट के चार्ट पे हम हैं दोस्तों, और देखो बैंक निफ्टी ने क्या किया था। सुबह यहाँ पे एक कहीं पे हाई लगाया था एंड यहाँ पे एक लो लगाया था, बाद में उसने फिर से एक ऊपर जाते वक्त हायर हाई फॉर्म किया हुआ था एंड यहाँ पे कहीं पे कंसोलिडेट करते वक्त उसने एक हायर लो फॉर्म किया था। दैट मीन्स कि बैंक निफ्टी ने ये प्राइस एक्शन दिखाया था कि मैं एक अप ट्रेंड में हूँ, और अभी क्या किया है रिसेंटली उसने धीरे धीरे करके वो डाउन की तरफ आई है। और कहाँ तक आई है, जो आज का सबसे ओपनिंग वाला हाई था उसी के आसपास आके वो सपोर्ट ले रही है। और यहाँ पे कहीं पे आप देखोगे तो ट्रेंड लाइन भी एक अच्छा उसने ब्रेकआउट किया है, वो जो ग्रीन वाली कैंडल आपको दिखाई दे रही है ना, वहाँ पे उसने सक्सेसफुली ब्रेकआउट भी किया है। तो ऑब्वियसली आप में से काफ़ी सारे लोगों ने अभी गेस कर ही लिया होगा कि हमें कौन सी एंट्री लेनी है। एग्जैक्टली हमें बाय की एंट्री लेनी है, हम कॉल्स को इसको बाय करने वाले हैं। एक बार मैं ड्राइंग को रिमूव कर लेता हूँ और हम हमारे जीरोदा के प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। तो ये आ चुके हम जीरोदा के प्लेटफॉर्म पे और 35,600 की कॉल हम बाय करने वाले हैं दोस्तों, जो कि इन द मनी में होगी। करंटली देखा जाए तो 318 का भाव चल रहा है, 200 क्वांटिटी मार्केट रेट पे हम उसको बाय करने वाले हैं। लेकिन बाय कभी करेंगे, जब वो रिटेस्ट करने आएगा, है ना दोस्तों। ये हमारी ट्रेंड लाइन है, ऑलमोस्ट वो देखो नीचे आ रहा है ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए। तब तक हम क्या करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट प्लान करते हैं। बिल्कुल ये जो रिसेंट लो था, ये देखो आया हुआ है, मैंने सबसे पहले उसको बाय कर लिया 308 पे, है ना दोस्तों। तो एग्जिट के लिए भी हमें रेडी रहना होगा मार्केट रेट पे, या फिर 320 ठीक रहेगा, 12 पॉइंट होते हैं ना, ठीक है चलो 320 पे हम निकलने की कोशिश करेंगे। देखो एग्जैक्टली सही जगह पे एंट्री हुई है हमारी। ये रहने वाला है हमारा नीचे के साइड पे स्टॉप लॉस का जोन, तो वो हम यहाँ पे स्क्रीन पे लगा के रखते हैं, क्योंकि अगर वो अचानक से नीचे आता है तो मार्केट रेट पे हमें एग्जिट करना पड़ सकता है। एंट्री अराउंड यहाँ पे कहीं पे हमारी रिटेस्ट के वक्त एंट्री हुई है दोस्तों। अभी अगर आप देखोगे ना, एक भी अगर ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है तो 12-15 पॉइंट वो आराम से दे जाएगा अपने को। सो यहाँ पे कहीं पे हमने एंट्री करी है। करंटली देखा जाए तो 310 रुपीज के आसपास चल रहा है दोस्तों। देखते हैं अभी ये वाला ट्रेड हमारा कैसे परफॉर्म करता है। टारगेट ये देखो आ ही चुका है 320, मैंने लिमिट ऑर्डर डालते वक्त 320.37 पे माल चला गया है अपना। बिल्कुल प्लेन एंड सिंपल ट्रेड था दोस्तों ये, कुछ यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं था, मैंने सिंपल एनालिसिस करी हुई थी। आई होप आपको इस ट्रेड के बिहाइंड क्या लॉजिक था वो समझ में आया होगा। अभी इंट्राडे में अगर फिर से कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं फिर से ट्रेड करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों मार्केट्स ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, मेरे रिकॉर्डिंग के सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ होने के कारण, मतलब वो सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया था तो मैं बाकी के ट्रेड की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। लेकिन उसके बिहाइंड क्या लॉजिक था, मैंने क्या क्या चीज़ें देखी थी, वो सारी चीज़ें अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। कुल मिला के 6875 का मुनाफा आज के दिन मैंने पूरे मतलब बुक किया है। ये ट्रेड आप लोगों के सामने मैंने लाइव किया हुआ था। ऑर्डर बुक में एक बार चलेंगे दोस्तों, देखो 34 और 35, कुल 1 मिनट के अंदर ये हमारा ट्रेड खत्म हो चुका था, जहां पे हमने 320.37 के आसपास एग्जिट लिया था। अभी आते हैं 10:47 के आसपास मैंने एक ट्रेड लिया था, जो मैंने 10:49 पे खत्म किया। करीबन 2 मिनट के अंदर अंदर मेरा एक ट्रेड खत्म हुआ था दोस्तों। तो अभी यहाँ पे मैंने किया क्या था, आप ध्यान से मतलब देखने की कोशिश करना। मैंने क्या किया, यहाँ पे 36,500 की कॉल जो है वो मार्जिन का बेनिफिट उठाने के लिए बाय करी हुई थी 22 रुपीज़ के एवरेज से 200 क्वांटिटीज, एंड 35,800 की कॉल मैंने शॉर्ट सेल करी हुई थी 181 रुपीज़ के आसपास, और वहाँ पे 159 पे मैंने कवर भी करी है। तो कुल मिला के इस वाले ट्रेड में मुझे कितना मुनाफा हुआ था, 4,337 रुपीज़ का मुनाफा हुआ था, एंड जो मैंने मार्जिन बेनिफिट के लिए जो बाय किया था कॉल उसमें मुझे 700 रुपीज़ के आसपास का नुकसान लगा था। तो कुल मिला के 3,500 के आसपास समथिंग आएगा वो फिगर, उतना मुझे इसमें मुनाफा हुआ था। तो अभी देखते हैं कि 10:47 पे मैंने चार्ट पे ऐसे क्या देखा था। तो ये आ चुके हैं हम अभी बैंक निफ्टी के 1 मिनट के चार्ट पे अगेन, और यहाँ पे आप देखोगे 10:47, ये देखो दोस्तों एग्जैक्टली ये वाली कैंडल जो आपको दिख रही है ना, 10:00, आप यहाँ पे नीचे ना टाइम देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे आपको टाइम देखने मिलेगा। तो यहाँ पे अभी देखने की कोशिश करते कि मैंने क्या देखा था। ये देखो दोस्तों बैंक निफ्टी तो एक अप ट्रेंड में थी, लेकिन इसने क्या किया था ना, ये एक यहाँ से और यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो ना, तो उसमें क्या हुआ था देखो, एक बार उसने यहाँ पे कोशिश करी थी, सेकंड टाइम उसने यहाँ पे कोशिश करी थी, और थर्ड टाइम जब वो कोशिश करने गया
तो 10:45 पे मुझे ना यहाँ पे एक रिजेक्शन सा दिखाई दे रहा था, ये रिजेक्शन वाली कैंडल है, और उसके कुल 1 मिनट बाद मैंने तुरंत एंट्री कर ली थी। जब ये अपमू आ रहा था तब मैंने मतलब बास्केट बनाना चालू कर दिया था कि मुझे शॉर्ट वाली एंट्री करनी है अगर ये अनसक्सेसफुल होता है तो, और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। उसने जैसे रिजेक्शन दिखाना चालू किया और 10:47 पे मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली, और अगले 2 मिनट के अंदर और 3 मिनट के अंदर देखो अच्छा सा मतलब वहां से रिजेक्शन करते हुए बैंक निफ्टी नीचे आई है, और उसी का फायदा उठाते हुए मैंने यहाँ पे मतलब प्रॉफिट बुक किया। कुल एक 16 पॉइंट के आसपास का वो प्रॉफिट आएगा दोस्तों। उसके अलावा आपको यहाँ पे और एक ट्रेड दिखाई देगा जो मैंने 3:09 पे लिया है ना दोस्तों, और वो भी ऑप्शन को मैंने बाय किया है दोस्तों। तो आपको ऐसे लगेगा कि मतलब 3:09 पे ऑप्शन बाइंग कौन करता है, तो दोस्तों वहां पे एक पैटर्न भी फॉर्म हो रहा था उसी की वजह से, मतलब उसके बिहाइंड भी लॉजिक था इसलिए मैंने ये ट्रेड लिया था, वो भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। आई होप आपको ये वाला ट्रेड समझ में आया होगा। तो अभी चलते हैं 3:09 पे क्या हो रहा था। अगर आप यहाँ पे नीचे टाइम देखने की कोशिश करना, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है ना दोस्तों, ये वाली ग्रीन कैंडल है 3:09 पे, यहाँ पे आप नीचे टाइम देख सकते हो जब मैं माउस लेके जाऊंगा तब, ठीक है। सो इसको रिमूव करता हूँ मैं। ये देखो एग्जैक्टली ये 3:09 की कैंडल है। क्यों मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी वो भी मतलब पुट की बाय करने की, यहाँ पे आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा रिजेक्शन फॉर्म होते हुए नजर आया था। ये देखो यहाँ पे एक अच्छा सा पैटर्न बना हुआ था, आप इसको अगर अच्छी तरह से ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा पैटर्न बनेगा ये, ठीक है। तो अभी देखो प्राइस एक्शन क्या बोलता है। यहाँ पे उसने एक बार कोशिश करी हुई थी, यहाँ पे कोशिश हुई थी, यहाँ पे 3 बार कोशिश हुई, यहाँ पे 4 बार कोशिश हुई, बावजूद उसके बैंक निफ्टी नीचे आई। और उसने देखो यहाँ पे एक बार उसने तोड़ने का ट्राई किया था, यहाँ पे ट्राई हो चुका था, यहाँ पे ट्राई हो चुका था, यहाँ पे ट्राई हो चुका था, एंड दोनों के 4 अटेम्प्ट्स हो चुके थे, और 5वीं बार उसने क्या किया था यहाँ पे ब्रेक डाउन दे दिया था सक्सेसफुली। लेकिन ब्रेकडाउन के बाद मैं नॉर्मली रिटेस्ट का हमेशा वेट करता हूँ, तो मैंने रिटेस्ट के लिए वेट किया, और एग्जैक्टली यहाँ पे जब वो आया मतलब उसकी जो ब्रेकडाउन की जो लाइन थी उसको टच करने जब वो आया, तो आपको मैं टाइम फिर से एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो 3:09 की जो ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है जो कि लाइन को टच कर रही है ऊपर, उस वक्त मैंने एंट्री ले ली। उसके एक कैंडल मतलब बाद 3:10 को थोड़ा ऊपर गया और बाद में फिर नीचे आ गया है ना दोस्तों। तो वहां पे मैंने क्या किया था, 64 रुपीज के आसपास उसकी बाइंग करी हुई थी और 72 पे मैंने निकाल दिया। तो आई होप दोस्तों मेरे तीनों ट्रेड के बिहाइंड क्या क्या लॉजिक था वो आपको समझ में आया होगा। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं मैंने किया है दोस्तों, सिंपल प्राइस को मैंने रीड करने की कोशिश करी है, कोई इंडिकेटर का यूज नहीं किया, कुछ भी नहीं, सिंपल प्राइस एक्शन को रीड करना होता है। जब भी पैटर्न फॉर्म होते हैं तभी आपको ट्रेड लेना है, रैंडमली मतलब कोई भी ट्रेड आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है दोस्तों। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने निफ्टी में एक पोजीशन मतलब बनाई है जो कि पोजिशनल है। मेरे टेलीग्राम चैनल पे जब मैंने वो पोजीशन बनाई थी तो उसका इन्फॉर्मेशन मतलब अपडेट दे दिया था दोस्तों, और आज के डेट में ये आपके स्क्रीन पे जो इमेज आ रही है ये उसमें प्रॉफिट चल रहा है। तो अगर आपको भी मेरे लाइव पोजीशन को फॉलो करने में कोई इंटरेस्ट हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दे रखी है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों वो चैनल। अगर आपकी कोई भी इच्छा हो तो आप उस चैनल को ज्वाइन करके रख सकते हो। तो जो भी पोजीशन मैं टेलीग्राम चैनल पे मतलब लाइव मार्केट में या फिर पोजिशनल बेसिस पे शेयर करता हूँ वहाँ से मतलब लोग ना कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, तो वो देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आपको भी मतलब इन वीडियो से जो मैं बना रहा हूँ लाइव ट्रेडिंग के उससे कुछ नया सीखने मिल रहा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा दोस्तों। जितना आप लाइक करोगे उतना मुझे पता चलेगा कि सच में आप लोग कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हो। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना दोस्तों, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो पोस्ट करूँगा ना उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत आ जाए। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।